हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ड्रम सेपरेटर के बारे में। जी हाँ, और बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर के बारे में। मैं आपको फील्ड से दिखाऊंगा कि बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर कैसे दिखता है, कैसे कैसे काम करता है। मैं आपको एक डायग्राम के जरिए अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे काम करता है, साथ में आपको एनिमेशन के मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक ड्रम सेपरेटर, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इक्विपमेंट क्या है और इसका क्या काम है। मैग्नेटिक ड्रम सेपरेटर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के मिक्सचर में से मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इन दोनों को सेपरेट कर देता है, और यही इसका मेन काम है। मोस्टली बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें आपका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों टाइप का मटेरियल जो है वो साथ में मिक्स निकलता है, लेकिन हमको इनका सेपरेशन जो है वो करना बहुत ही जरूरी होता है। खास करके जैसे कि स्पंज आयरन इंडस्ट्रीज, जिसे कि DRI भी कहा जाता है, वहां पर ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे मैं आपको एनिमेशन के साथ अच्छे से समझाऊंगा। और अगर बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, चैनल पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी उसको मैं दे दूंगा। तो चलिए पहले डायग्राम से समझते हैं। ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर में सिंपली ड्रम होता है और उस ड्रम के अंदर में एक मैग्नेटिक हाफ को फिक्स किया जाता है। मैग्नेटिक हाफ, ये आपको जो जिसमें हैशिंग है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड जहां लिखा हुआ है वो आपका मैग्नेट है। इसके सर्क्यूमफेरेंस में परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, और ये जो है ड्रम के अंदर में फिक्स रहता है। ड्रम के और मैग्नेटिक हाफ के बीच में क्लीयरेंस रहता है, काफी कम क्लीयरेंस रहता है, 5 to 10 mm, और ये जो ड्रम है ये उसके ऊपर में घूमता रहता है, लेकिन जो अंदर का ये जो हाफ है मैग्नेटिक हाफ वो एक जगह पर फिक्स रहता है, उसको फिक्स किया जाता है। मैग्नेटिक हाफ से एक शाफ्ट बाहर निकली रहती है, उस शाफ्ट में एक लॉकिंग हैंडल रहता है, उस लॉकिंग हैंडल से आप मैग्नेटिक हाफ की पोजीशन को सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहां पर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मिक्सचर ऊपर से आ रहा है, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो सीधा सीधा गिर जा रहा है, जहां पर क्लीन्ड मटेरियल लिखा है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सीधा नीचे गिर जा रहा है, जबकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अलग से सेपरेट हो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका सेपरेटेड आयरन यहां पर लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको सेपरेट कर लिया गया है। तो यहां पर क्या है, जो आपका ड्रम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है जो मैग्नेटिक हाफ है इसमें परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मटेरियल यहां पर से चिपक करके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी जगह पर सेपरेट हो जाता है, और हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग सेपरेट कर लेते हैं। ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर के अलग अलग वेरिएशन है, सिंगल ड्रम, डबल ड्रम, ट्रिपल ड्रम। यहां पर चलिए एनिमेशन के जरिए आप समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मैग्नेटिक ड्रम जो है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से मटेरियल आ रहा है, मटेरियल का मिक्सचर जो रेड और ब्लैक कलर का है, जिसमें से जो रेड कलर का मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, जबकि जो ब्लैक कलर का मटेरियल है वो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आप देख सकते हैं जैसे ये ड्रम घूम रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल ड्रम के ऊपर स्टिक करके थोड़ा सा ड्रम के साथ आगे चला जा रहा है और दूसरे चूट पर डिस्चार्ज हो जा रहा है। यहां पर आप यहां से क्लियर देख सकते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो आगे की तरफ गिर जा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जबकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होकर के आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले चूट में डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो आपका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर में ऐसे सेपरेट होता है। यहां से मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर आखिर क्या होता है और इसकी क्यों हमको जरूरत पड़ती है, इसका काम क्या है। तो
तो बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा मशीन है जिसके जरिए हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर हमारे पास है और हमको उसमें सेपरेट करना है दोनों मटेरियल को अलग अलग, तो हम इस मशीन के जरिए, इस इक्विपमेंट के जरिए अलग कर सकते हैं। मोस्टली जैसे कि स्पंज आयरन इंडस्ट्री में किलन से निकलने वाला जो मटेरियल होता है उसमें आयरन भी होता है, साथ में कोल भी रहता है, चारकोल चार और डुलाचार भी रहता है, तो इन सबको अलग करना पड़ता है वहां पर, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस डायग्राम के जरिए हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर में दो कन्वेयर बेल्ट होते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जो बेल्ट होता है कन्वेयर, उसका जो विड्थ है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखिए नीचे वाला जो बेल्ट है, नीचे वाला बेल्ट का डायरेक्शन जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला बेल्ट का आगे वाला जो पुल्ली है राइट हैंड साइड वाला, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जबकि ऊपर वाला जो बेल्ट है उसका आगे वाला पुल्ली जो कि राइट हैंड साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी दोनों बेल्ट जो है, दोनों के डायरेक्शन जो है अपोजिट रहेगा, और ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं लोअर बेल्ट के ऊपर में वाइब्रेटरी फीडर है, ये वाइब्रेट होता रहता है, यहां से मटेरियल जो है इस नीचे वाले लोअर बेल्ट के ऊपर में आता है। अब लोअर बेल्ट के ऊपर में जब मटेरियल आता है और आगे जाता है तो क्या होता है, अपर बेल्ट है उसके बीच में आप देख रहे होंगे ब्लॉक ब्लॉक बहुत सारा छोटा छोटा बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, वो क्या है, स्टेशनरी परमानेंट मैग्नेट है, उसको फिक्स किया जाता है और बेल्ट से हल्की सी हाइट पे, बहुत ही कम क्लीयरेंस पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब जैसे ही मटेरियल लोअर बेल्ट के ऊपर से आता है और इस अपर बेल्ट के नीचे से गुजरता है, तो जो मैग्नेटिक, जो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है अपर बेल्ट के लोअर पोर्शन पर, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है जो मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से जा रहे हैं उस पर, और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो चिपक जाता है ऊपर वाले बेल्ट पे, और क्योंकि बेल्ट जो है वो मोशन में है तो उसके साथ चिपक करके आगे चला जाता है, और जहां पर ये मैग्नेट जो है खत्म होता है वहां पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो गिर जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो दोनों एक डिस्टेंस पर गिर रहे हैं, क्योंकि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो पहले ही गिर जा रहा है, और मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आगे गिर रहा है। दोनों मटेरियल के बीच में बेल्ट के विड्थ के डायरेक्शन में एक प्लेट लगाया जाता है जिसे कि एडजस्टेबल डाइवर्टर प्लेट कहा जाता है, और उसके डिग्री को एडजस्ट करके रखा जाता है ताकि नॉन मैग मटेरियल में मैग मटेरियल ना जाए। अब इस एनिमेशन से आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो रेड और ब्लैक कलर के मटेरियल जो है मिक्स है वो साथ में आ रहे हैं नीचे वाले बेल्ट पर। जो रेड कलर का मटेरियल है वो मैग्नेटिक है, जबकि ब्लैक कलर वाला मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है। दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं ये मटेरियल, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है यानी कि जिसमें आयरन कंटेंट है, वो मटेरियल ऊपर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आगे गिर जाता है। ये बीच वाला जो है ये डाइवर्टर प्लेट है, आगे गिर जा रहा है और वहां से हम नीचे से उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं, जबकि नीचे वाला जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। अभी हम फील्ड से भी देखेंगे कि बेल्ट कॉन्सेंट्रेटर कैसे रहता है। ये जो आपका मैग्नेट इसमें लगा रहता है अपर बेल्ट में, उसका हाइट जो है वो एडजस्टेबल रहता है। हम मैग्नेट की हाइट को कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब। अब चलते हैं हम फील्ड पर और देखते हैं कि कैसे रहता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेटर। आप ये आपके सामने में है वाइब्रेटिंग ट्रे है, ये अपर बेल्ट है और ये लोअर बेल्ट है, ये वाइब्रेटिंग ट्रे है। यहाँ पर से मटेरियल जो है वो इसके अंदर आता है, ऊपर से मटेरियल हम यहाँ से इसमें डालते हैं और ये देखिए ये वाइब्रेटिंग ट्रे है। ये पूरा इसका विड्थ जो है, पूरा विड्थ है बेल्ट जो है आप देख सकते हैं काफी चौड़ा है, और ये लोअर वाला बेल्ट है, मटेरियल जो है लोअर बेल्ट पर गिरता है और लोअर बेल्ट फिर आगे की तरफ मूव करता है, और ये जो फ्रेम ऊपर में ब्लू कलर का दिख रहा है उसके ऊपर में मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेट को एडजस्ट किया जा सकता है अप एंड डाउन। ये लोअर बेल्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जहाँ डस्ट है वो मैग्नेट। तो फ्रेंड्स ये था आपका मैग्नेटिक सेपरेटर, बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर जिसे कि बेल्ट कॉन्सेंट्रेटर भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।